बच्चों को गलतफहमी है कि हमारे पापा स्वर्ग और नर्क नहीं मानते थे, वह कर्म और कर्मवाद के वैज्ञानिक सिद्धांतों को मानते थे। बच्चे ये भी कहते हैं कि हमारे पापा धरती के इकलौते वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्राह्मणी पाखंड, स्वर्ग नर्क, आत्मा परमात्मा को कड़ी टक्कर दी थी और ब्राह्मणों के थोथले दावों का खंडन करके धरती पर विज्ञान का युग ले आए थे। अब खैर बच्चे तो बच्चे हैं, जितना खोपड़ा होता है उतना ही समझते हैं और जितना रटाया जाता है उतना ही बोलते हैं। मगर जब इन बच्चों के दावों का अध्ययन इनके पापा से संबंधित ग्रंथों में किया गया तो दिमाग एकदम से झन्ना गया। आप सोच रहे होंगे कि यह आज मैं किन बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो चलिए बता देता हूँ। इन बच्चों का नाम है बोतल और ढक्कन। यह बच्चे बहुत जिद्दी हैं। इन्हें सत्य और तथ्य से सख्त नफरत है, लेकिन इन्हें इनके पापा के झूठ से भी बहुत प्यार है। पापा भले लोगों को नर्क भेजने का ठेका चलाते हों, मगर बच्चे तो इस बात से ही बहुत प्रसन्न दिखते हैं कि पापा तो हमारे साइंटिस्ट थे। अब बच्चों के पापा कितने बड़े साइंटिस्ट थे, आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको संयुक्त निकाय के ग्रामीण संयुक्त के तालपुट संयुक्त पर आए एक वाक्य से आपका परिचय करवाना चाहेंगे। इस सूत्र में बुद्ध नट से कह रहे हैं कि नट, सच और झूठ किसी भी तरह से जो व्यक्ति लोगों को हंसाता है वह नर्क में जाता है और पशु योनि में जन्म लेता है। चलिए आपको पूरी बात विस्तार से बताते हैं। एक समय भगवान राजगृह में वेलुवन कलंद निवास में विहार कर रहे थे। तब तालपुत्र नटग्रामी जहां भगवान थे वहां पर आया और एक और बैठ गया। तालपुत्र नटग्रामी ने भगवान से पूछा, भंते, मैंने अपने बुजुर्ग गुरु दादा गुरु नटों को कहते सुना है कि जो नट रंग मंच से सबके सामने सच या झूठ से लोगों को हंसाता है और बहलाता है वह मरने के बाद प्रहास देवों के बीच उत्पन्न होता है, तो इस पर भगवान आपका क्या कहना है? ग्रामीण की बात सुनकर भगवान बुद्ध बोले कि देखो ये बात तुम मुझसे मत पूछो। उसने दूसरी बार विनती की, भगवान कुछ नहीं बोले। उसने तीसरी बार विनती की, भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले। उसने फिर विनती की, तब वहां भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, जब तुम पूछते हो तो चलो मैं तुमको बता ही देता हूं। सुनो ग्रामीण, पहले के लोग वितरागी नहीं थे, विराग के बंधन में बंधे थे। रंगमंच पर सबके बीच उनकी रंगमयी कौतुक किरणाएं और भी अधिक राग उत्पन्न कर देती थी। सुनो ग्रामीण, पहले के लोग वित्तद्वेष नहीं थे, विद्वेष के बंधन में बंधे थे। उनकी द्वेषमयी कौतुक किरणाएं और भी अधिक द्वेष उत्पन्न कर देती थी। पहले के लोग वित्तमोह नहीं थे, वे मोह के बंधन में बंधे थे। उनकी मोहमय कौतुक किरणाएं और भी अधिक मोह उत्पन्न कर देती थी। वे स्वयं मत प्रमत्त हो दूसरों को मत प्रमत्त करने के बाद प्रहास नामक नर्क में उत्पन्न होते थे। यदि कोई समझे कि जो नर सच या झूठ से लोगों को हंसाता है और बहलाता है वह मरने के बाद प्रहास देवों के बीच उत्पन्न होता है तो उसका ऐसा समझना झूठ है। ग्रामीण, मैं कहता हूं कि ऐसे मनुष्य की दो ही गतियां हो सकती हैं, या तो नर्क या चिरश्चीन यानी कि पशु योनि। यह कहने पर तालपुत नटग्रामी रोने लगा, आंसू बहाने लगा। तो फिर बुद्ध ने कहा, इसी से मैं चाहता था कि मैं तुम्हें यह बात ना बताऊं और तुम मुझसे यह मत पूछो। तो उस पर नटग्रामी ने कहा कि भगवान, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि आपने मुझे इस सच्चाई के बारे में बताया, बल्कि मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मेरे पुरखों ने मुझे इस बारे में मूर्ख बनाया, मुझे सच्चाई से अवगत नहीं कराया। अब मैं सच्चाई जान गया हूं, इसलिए मैं आपकी शरण में आ गया हूं। Oh my God! Wow! तो यहां आपने देखा कि बच्चों के पापा देश विदेश में अपने अभिनय और कर्म, अपनी प्रतिभा द्वारा अर्जित कला के माध्यम से लोगों को हंसना सिखाते हैं, उनका मन बहलाते हैं, जीवन की सच्चाई को, जीवन के दुख सुख को अपने अभिनय से समाज के बीच लाकर लोगों में नई ऊर्जा, नई चेतना भरते हैं, लोगों का मन बहलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए गौतम बुद्ध ने नर्क का प्लाट बुक किया है।
कि ऐसे लोग जब मरेंगे तो नर्क जाएंगे और इनका पुनर्जन्म भी अगर होगा तो यह पशु योनि में पैदा हो। मतलब बच्चे कुछ और कहते हैं और पापा कुछ और। यहां इतना कंफ्यूजन है कि दिमाग चक्रघिन्नी बन जाता है, समझे नहीं आता कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत। और तो और इतना तगड़ा वाला विज्ञान तो नासा वालों के दिमाग में भी नहीं आता होगा कि धरती से ही डायरेक्ट बैठे बैठे नर्क का प्लाट बुक कर दिया जाए। अब बच्चे तो बच्चे हैं, इन्हें बताया गया था कि स्वर्ग नर्क का टेंडर सिर्फ ब्राह्मणों को मिलता है। ब्राह्मण ही लोगों को स्वर्ग नर्क का भय दिखाकर ठगी करते हैं और शोषण करते हैं, जबकि स्वर्ग नर्क जैसी कोई चीज तो होती नहीं। अतः हिंदू और उनके ग्रंथ फर्जी हैं और काल्पनिक हैं। अब जब बच्चों की कुंडली खंगाली गई तो बच्चों के पापा भी वही करते हुए दिखाई दिए, जिस कार्य को करके ब्राह्मण बदनाम है। मतलब इस देश में अब वह भी दूसरों को पाखंड का सर्टिफिकेट बांट रहा है जिसके पापा का लोगों को नरक में भेजने का ठेका हुआ करता था। मतलब कुछ भी वो करे तो लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। मतलब ये सारे के सारे लोग मिलके जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे। वैसे दोस्तों आज की इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अगर आप मनोरंजन अभिनय या कॉमेडी करते हैं तो यह अवश्य ध्यान रखें कि आप नर्क जाएंगे और अगला जन्म आपका पशु का मिलेगा। इसलिए भैया मैं तो किसी को ना हंसाता हूँ और ना ही रुलाता हूँ, मैं तो सिर्फ बताता हूँ। अतः मेरा प्लाट तो कैंसिल है नर्क में, बाकी आप लोग अपना सोच लो, मैं तो चला। और हाँ, अगली वीडियो में फिर आऊंगा। चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना। जय हिंद।